हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपकी तैयारी में बचा कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं वीडियो से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं तो फ्रेंड्स आज का जो यह वीडियो है यह एस जोन द्वारा जो एस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था

तो जो भी ऑफिस वीर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है तो उनके लिए जो स्पेशल सी का प्रोविज़न है वह 20 डेज़ का स्पेशल प्रोविजन रखा हुआ है यहाँ पे सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ ट्रेन मैनेजर इज इंटाइटल्ड फॉर विच टाइप ऑफ रेलवे क्वार्टर तो ट्रेन मैनेजर रेलवे क्वार्टर के लिए इंटाइटल पूछा हुआ है तो टाइप थ्री क्वार्टर के लिए जो है तो रेलवे के ट्रेन मैनेजर्स इनटाइटल होते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ट्रैक मैन टू ट्रैक मैन के लिए जो है तो मेडिकल uh, स्टैंडर्ड कौन सा है ए2 बी1 बी2 और नन ऑफ द अबव तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रैक मैन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके बी वन इज द राइट आंसर फॉर ट्रैक मैन नेक्स्ट है वॉट इज द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पॉइंट मैन तो पॉइंट्स मैन के लिए रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ए टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फोर्टी सेवन है महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ तो महापरिनिर्वाण दिवस किसकी डेथ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी राजीव गांधी बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द एक्रोनिम पीडब्ल्यूबीडी दैट इज अ वर्ल्ड द एक्रोनिम फॉर पीडब्ल्यूबीडी इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस एंड डिसेबल्ड पर्सन तो एक्रोनिम एक्रोनिम्स है ए पर्सन विथ बेंच मार्क डिसबिलिटी सो डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड है तो फोर्टी एट का ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट आंसर होगा ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच आरडीएसओ, लखनऊ कोर न्यू डेली नायर वडोदरा आई पुणे तो इसका आंसर हो जाएगा कोर कोर इज नॉट करेक्टली मैच कोर का जो सेंटर है प्रयागराज के अंदर है सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की बात करेंगे तो कोर बेसिकली आपके रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन के प्रोजेक्ट को हैंडल करता है विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप तो कॉफ मऊ जो है वह मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप से रिलेटेड है ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ठीक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप से रिलेटेड सी एल डब्ल्यू तो चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स बी एल डब्ल्यू भी नाम हो गया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ओके okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच आर द फॉलोइंग टर्म्स और एक्रोनिम इज रिलेटेड टू जुडिशरी एस एल पी एम ऑफ द एब तो यहाँ पे एस का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटिशन ठीक है सो इसके अलावा जो एम ए ओ ए और ये ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द नेक्स्ट है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट्स जो नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट्स है उनके टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कंसर्न ब्रांच ऑफिसर डीआरएम, एडीआरएम सीनियर डीपीओ तो हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट्स तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एडीआरएम सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सीजीए इन फेवर ऑफ वार्ड ऑफ मिसिंग स्टाफ में बी गिवेन ओनली आफ्टर टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मिसिंग सीजीए इज एडमिसिबल इन केस ऑफ सुइसाइड ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो ओनली टू चांसेस आर गिवेन फॉर राइटिंग सीजीए एग्जाम बाई डी आर एम ऑल ऑफ दब आर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबब आर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर की बात की जा रही है अमाउंट ऑफ री इंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ पर चाइल्ड इज टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर and it is doubled for disabled children on what date anti-terrorism day is observed twenty first may thirty first january two october and none of the above answer that is on twenty first may next icc internal complaint committee is mainly related to स्टाफ ग्रीवांस रिड्रेसल सेक्सुअल हेरासमेंट एस सी एस टी एट्रोसिटीज ऑल ऑफ दरासमेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल पोस्ट में बी ऑफर्ड एज अल्टरनेट ग्राउंड ऑन सीजीए बेसिस टू डिपेंडेंट ऑफ मेडिकल डी कैटेगराइज रेलवे सर्वेंट्स तो सीजीए बेसिस पर जो डिपेंडेंट ऑफ मेडिकली डी रेलवे सर्वेंट्स हैं तो उनको कौन सी पोस्ट दी जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज लेवल फर्स्ट पोस्ट ओनली तो लेवल फर्स्ट पोस्ट ओनली दी जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर द डिस डेथ ऑन ड्यूटी द एज ऑफ वर्कमैन इज टेक इंटू अकाउंट एम्प्लॉय कमिंग बर्थ डे एम्प्लॉय लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ डेथ और फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ डेथ तो इसका आंसर हो जाएगा दट इज एम्प्लॉयज लास्ट बर्थडे सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके एम्प्लॉयज मृत कर्मी का जो पिछला जन्मतिथि है वहां से जो है तो उसको काउंट किया जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रिंसिपल चीफ पर्सोनल ऑफिसर ऑफ एस सी तो ये क्वेश्चन जो है तो बहुत फैक्चुअल है इसको आप जो है तो अपनी वेबसाइट पर देख सकते हैं ठीक है जो भी पी सी तो उनके आंसर्स आप क्लियर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इसका कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं इन सिलेक्शन हाउ मेनी मार्क्स अलॉटेड अंडर द रिकॉर्ड ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग हाउ मेनी मार्क्स अलॉटेड तो नो सच डिविजन 85 मार्क्स 50 मार्क्स 15 मार्क्स ठीक है तो so, चैन में सेवा रिकॉर्ड के तहत कितने अंक आवंटित किए गए हैं ठीक है सिलेक्शंस में जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे ठीक है तो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस पर जो ही मार्क्स हैं ठीक है थीके? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कितने मार्क्स अलाउट किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन पे आते हैं विच अथॉरिटी इज हाइएस्ट अथॉरिटी फॉर अप्रेजल ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिव्यूइंग अथॉरिटी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो यहाँ पे जब भी आप ए फाइल करते हैं तो इस केस में जो अथॉरिटी होती है तो वह एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होती है ठीक है वह हाईएस्ट अथॉरिटी होती है फॉर अप्रेजल ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉ ठीक है इसके अलावा जो यह क्वेश्चन पूछा हुआ था इस केस में कि जो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है ठीक है तो हाउ मेनी मार्क्स आर अलॉटेड फॉर दैट तो देर आर फिफ्टीन मार्क्स एम एस पी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे. तो सभी को पता है मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन ठीक है तो मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन इज द राइट आंसर ठीक है तो सिक्सटी सेकेंड का करियर प्रोग्रेशन होगा यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे और करियर की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिखी हुई है ठीक है सो सिक्सटी सेकेंड का आप दबाव होगा सी ए डबल आर आई ई आर लिखी हुई है इस करियर का मतलब बोझ होता है या भार होता है ठीक है सी ए आर डब्लू आर करियर इज द करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे वॉट इज द मिनिमम बेंच मार्क ए पी ए आर ग्रेडिंग के लिए रिक्वायर्ड फॉर एम ए सी पी तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थर्ड का पूछा है गुड वेरी गुड बिलो एवरेज एंड नन अफ दब तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर की बात करेंगे पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट तो जी एम इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन अ अटेबिलिटी टेस्ट शुड होल्ड एट अ इंटरवल विच शुड नॉट बी लेस देन सिक्स मंथ्स द सुइटेबिलिटी इंटरवल इज टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट And single officer is required for holding a departmental suitability test. This answer that is option number A. It is not GM. GM is not a competent authority to decide the classification of post as selections or non selection. Okay, so option number A is the Correct. वॉट लम्सम अमाउंट इज पेड एज एक्सग्रेशिया वेन डेथ अकर्स इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ड्यूटीब्यूटेड टू एक्ट ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट तो जब भी यहाँ पे टेररिस्ट वायलेंस हो रहा है टेररिज्म की बात आ रही है तो इस केस में जो एक्सग्रेशिया पे किया जाएगा वह कितना होगा ये पूछा जा रहा है यहाँ पे ट्वेंटी लैख थर्टी फाइव लैख फोर्टी फाइव लैख और नन ऑफ दीक है तो यहाँ पे जो लमसम अमाउंट एज एन एक्स ग्रेसिया पे किया जाएगा जबकि डेथ हो जाती है कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द एक्स ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट तो इसके ऊपर 25 ट्वेंटी फाइव का रुपीज़ का उनको पे किया जाएगा ठीक है सो इसका आंसर ना जवाब होगा याद रखिए डेथ अकर ड्यू टू एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी

एक्शन अगेंस्ट मिलिटेंट टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट और सी पायरेट्स ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में थर्टी फाइव ,00 लाख रुपीज़ हैं और या ऐसे जगह पे हैं जैसे बॉर्डर पोस्ट पे हैं नेचुरल डिजास्टर या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर जो है अगर डेथ हो रहा है तो इस केस में हाई एल्टीट्यूड पर आपकी ड्यूटी है तो ऐसे केस में थर्टी फाइव ,00 लाख रुपीज़ है ओके और डेथ अकरिंग ड्यू टू एनिमी एक्शंस इन अ वॉर और सच अ वॉर लाइक इंगेजमेंट्स है तो इस केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग हैं तो उसके लिए फोर्टी फाइव लाख रुपीस का राइट टू पर्सन विध डिसेबिलिटी एक्ट वॉज पास राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट जो है ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर पास हुआ सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का डी आंसर करेक्ट होगा यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है दो बार प्रोविडेंट फंड एक्ट इनैक्टेड इन द ईयर प्रोविडेंट फंड एक्ट किस ईयर में इनैक्ट हुआ 1927, 1925, 1947 नन ऑफ द एवब तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इन द ईयर 1925 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इज नॉट लिस्टेड इन द पर्सन विथ डिसबिलिटी एक्ट ट्यूबर एंड मेंटल इलनेस तो ट्यूबर को इसको नहीं लिया जाता है यहां पे, जो ट्यूबर है ठीक है उसको इस केस में नहीं लिया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एल एच बी कोचेज द फॉलोइंग कंट्री यूके फ्रांस यूएसए जर्मनी तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी मॉडर्न कोच फैक्ट्री सिचुएटेड एट एम सी एफ राय बरेली में है सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पेरमपुर चेन्नई इसके अंदर आईसीएफ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आर सी एफ कपूरथला ठीक है रेल व्हील फैक्ट्री एलंका नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग ट्रेन इज इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह फास्टेस्ट ट्रेन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फास्टेस्ट ट्रेन होगी कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी सबोर्डिनेट टू विच आर द मिनिस्ट्री तो कमिश्नर ऑन रेलवे सेफ्टी जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियशन के सबॉर्डिनेट है नंबर बी इज राइट आंसर विच विचार द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन बिल्डिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जो है तो किसका योगदान है यहाँ पे आर वी एन एल आर डी एस ओ आई आर सी टी सी और कोर तो इसका आंसर हो जाएगा देट इज आर वी एन एल रेल विकास निगम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द एलडीसी कोटा फॉर स्टेशन मास्टर फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट तो एल कोटा जो है स्टेशन मास्टर के लिए वह है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डी आर क्यू फॉर आई ओ डब्ल्यू तो डी आर क्यू जो है आई के लिए कितना है पूछा जा रहा है यहाँ पे फिफ्टी परसेंट टेन परसेंट 25% 65% तो इसका आंसर हो जाएगा 65% नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट जो है तो करेक्ट नहीं है इसके बारे में पूछा रहा है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा आप इसके पूरे स्टेटमेंट्स जो हैं तो आपको याद रखने हैं यहाँ पे ठीक है मिस्टर एसपी वाडिया इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट बिल्कुल सही है एसपी वाडिया का नाम याद रखिएगा इज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट के है ना एसपी वाडिया भारतीय मजदूर आंदोलन का जनक माना जाता है इनको पीएनएम इज कंडक्टेड वंस इन टू मंथ एट अ जोंनल रेलवेज तो जोंनल रेलवेज के अंदर जो पीएनएम होता है वह 3 मंथ में एक बार होता है ठीक है सो बेसिकली ये गलत स्टेटमेंट हो गया ओके सो पीएनएम कंडक्टेड वंस इन अ टू मंथ इन अ जोनल रेलवे या डिविजनल रेलवे के अंदर जो है तो टू मंथ्स में एक बार होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट uh, ऑप्शन है फर्स्ट इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज़ फॉर्म्ड बाय टेक्सटाइल वर्कर्स एट मद्रास बिल्कुल सही है पी एन एम वॉज सेटअप इन द ईयर 1952 बिल्कुल सही है ठीक है सो पी एन एम इज कंडक्टेड वंस इन अ टू मंथ इन एनर ये गलत है तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अदर द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आर टी आई एक्ट इज कॉल्ड तो सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है तो so, उसे हम थर्ड पार्टी बोलेंगे सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट की बात करेंगे यहाँ पे अंडर विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आर टी आई एक्ट एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल हैव टू पब्लिश ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ़ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ड्यूटीज ई टी सी सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सेक्शन थ्री सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन की बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच आर द फॉलोइंग कोच फैक्ट्री एम सी एफ आर सी एफ आई सी एफ तो इसका आंसर आईसीएफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन का सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी की बात करेंगे विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आर टी आई प्रोविजन के अंडर में कौन सा ऑप्शन है या कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है इसके बारे में बात की जा रही है एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेल गिव फुल मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सेल नॉट बी रिक्वायर टू गिव एनी रीजन फॉर रिक्वयरिंग द इन्फॉर्मेशन If any applicant cannot make his request in writing, the CPIO should render all reasonable assistance to the person making the request orally to produce the same in writing. And D option An applicant seeking information which is related to another office or public authority, such application should be forwarded within 5 days from the date of receipt of application. तो इसके अंदर में अगर आर टी आई प्रोविजन के अंदर में एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेल गिव फुल पर्सनल डिटेल्स ये जरूरी नहीं है सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी वन पे आएंगे वेयर द एन आर टी आई इज लोकेटेड लखनऊ वडोदरा दिल्ली पुणे ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज वडोदरा सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स तो इंटेंसिव वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है वह कितना है तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्टी टू आवर्स पर वीक सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी शेड टू बी एक्सक्लूडेड क्लासीफिकेशन मेट्रॉन्स रेलवे स्कूल टीचर्स स्टेनू ऑल ऑफ दंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दू मेट्रॉन्स हैं या रेलवे स्कूल टीचर्स हैं या फिर स्टेनो है ये सभी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं एज पर एच ओ आर नाइट ड्यूटी मीन्स टेन पी एम टू सिक्स ए एम सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा ये एट्टी फाइव है इन कॉन्टिन्यूस रोस्टर लॉन्ग गॉन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर एट आवर्स टेन आवर्स ट्वेल्व आर्स एंड नन आव तो इसका आंसर जाएगा that is 10 hours. ठीक है तो continuous में जो लॉन्ग ऑन है मतलब कितना हुआ टेन आवर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ए सी पी स्कीम को कब स्टार्ट किया गया इसके बारे में क्वेश्चन को पूछा गया है तो सी पी स्कीम स्टार्ट हुई थी ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर टू थाउजेंड एट फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एट से मोडीफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम स्टार्ट हुआ था ठीक है दैट पे कमीशन के अंदर नेक्स्ट ड्रेस अलाउंस टू नर्सिंग पर्सनल के लिए ड्रेस अलाउंस कितना दिया जाता है टू थाउजेंड पर मंथ ट्वेंटी थाउजेंड पर एन एम एटीन थाउजेंड पर एन एम एटीन हंड्रेड पर मंथ तो जो एट्टीन हंड्रेड पर मंथ रुपीज मिलते हैं वह ड्रेस अलाउंस मिलता है टू द नर्सिंग पर्सनल को ओके okay?

the term acronym gem that is gem to so, marketing management governance or e maintenance theek hai to basically ye jo term hai wo marketing ke liye hai isne DGSND snd ko replace kiya theek hai aur और इसकी जगह पे GEM that is guarantee marketplace गारंटी मार्केट प्लेस हुआ जहाँ पे जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उनका हम वगैरह करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द चैप्टर विच डील्स विद द जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस देखिए आई जो सी फर्स्ट uh, है उसके अंदर चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे ठीक है तो चैप्टर विच डी जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस तो जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस जो है आई आर सी वॉल्यूम का चैप्टर टू है ठीक है चैप्टर वन इज जनरल एंड चैप्टर टू जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस है ठीक है आई आर सी वॉल्यूम वन का जो चैप्टर फर्स्ट है चैप्टर सेकेंड है उसके अंदर जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस को मेंशन किया गया है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा और इसका जो चैप्टर थ्री है वो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द चैप्टर विच डील विद्रूटमेंट ट्रेनिंग ई टी सी इज अवेलेबल इन विच आर द फॉलोइंग कोड और मैनुअल तो यहां पे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो कौन से चैप्टर के अंदर जो है या कौन से मैनुअल के अंदर जो है तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ई की बात की जा रही है इसके बारे में पूछा जा रहा है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ आई आर ई एम वॉल्यूम वन ठीक है तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम वन के अंदर जो है तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग uh, से चैप्टर रिलेटेड चैप्टर्स अवेलेबल हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ सी जी ई आई जी एस ठीक है तो एक तो सबसे पहले यह इंश्योरेंस सिस्टम है आपका ठीक है ओके यहां पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ठीक है नॉट अ सिस्टम ओके तो इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इट इज अ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज के लिए ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका नन ऑफ द इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पूछा जा रहा है ऑफ द द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन लखनऊ बोथ एंड नन एवब ठीक है तो लखनऊ के अंदर जो है तो क्या सिचुएटेड है इसके बारे में बात की जा रही है तो आई आर आई टी एम और एन आर टी आई ठीक है तो यहां पे NRTI जो है और आई आर आई टी एम इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सिचुएटेड है लखनऊ के अंदर तो आई आर आई टी एम जो है वह है लखनऊ के अंदर सिचुएटेड है ठीक है आई आर आई टी एम का मतलब होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और इसको सेटअप किया गया था इन द ईयर 2003 के अंदर ठीक है NRTI दैट मीनस नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ठीक है आप सभी को पता पता होगा एनआरटीआई क्या है नेशनल रेल एंड सॉरी रेलवे नहीं नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जिसका अभी जो नाम कर दिया है यह पहले बोला जाता था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जिसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है ठीक है गति शक्ति विश्वविद्यालय काफी इंपॉर्टेंट है ये नेम आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो गति शक्ति विश्वविद्यालय दैट इज फॉर्मली नोन एज एन आर टी आई इज अंट्रल यूनिवर्सिटी एंड लोकेटेड इन द वडोदरा गुजरात ठीक है सो दिस इज जी एस वीज इंडिया फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी ठीक है एंड इज प्रजेंट द कैंपस ऑफ नायर नायर के अंदर जो है तो यह काम कर रही है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वह 2018 के अंदर हुआ है ठीक है और इसके वाइस चांसलर अभी मनोज चौधरी हैं तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखिएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय ओके तो एन आर टी आई अभी जो है तो वडोदरा के अंदर ठीक है और आई आर आई टी एम जो है वह लखनऊ के अंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंडियन रेलवे नेशनलाइज इन विच ईयर तो इंडियन रेलवे कब नेलाइज हुआ इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे तो so, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इन दाइनटीन फिफ्टी वन के अंदर जो है तो इंडियन रेलवे को नेशनलाइज किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन दिगिनिंग फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया ट्रेवल्ड हाउ मच ट्वेंटी फर्स्ट माइल ट्वेंटी फोर माइल्स थ्री माइल्स एंड नन ऑफ द तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ट्वेंटी वन माइल्स ठीक है सिक्सटीन अप्रैल एटीन फिफ्टी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच आर द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे तो ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन जो है इंडियन रेलवे का कौन सा है मालदा लुमडिंग रंगिया और तीन सुखिया तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ तीन सुखिया सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट है 96 के बाद क्वेश्चन नंबर हंड्रेड की बात करेंगे सॉरी क्वेश्चन नंबर है फेरी क्वीन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन रन्स बिटवीन द स्टेशन तो फेरी क्वीन जो है वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन किन दो स्टेशनों के बीच में रन करता था तो शिमला काल का अलवर शिमला और न्यू डेली अलवर तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू डेली अलवर सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग जोनल हेडक्वार्टर सिटी कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट एनडब्ल्यू आर जोधपुर तो ये तो पूरी तरह से गलत है एनडब्ल्यू आर जयपुर होगा सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट एस ई सी आर तो बिलासपुर है ई सी आर हाजीपुर डब्ल्यू सी आर जबलपुर सही है यहाँ बोला जा रहा है मेडिकल कैटेगरी के बारे में बात की जा रही है स्टेशन मास्टर ट्रेन क्लर्क कॉमर्शियल क्लर्क जूनियर क्लर्क इन सब की जो कैटेगरी है तो चूज द करेक्ट वन ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ स्टेशन मास्टर का ए टू कैटेगरी स्टेशन मास्टर का कौन सा कैटेगरी होगा दैट इज़ ए टू कैटेगरी होगा इसके अलावा ट्रेन क्लर्क की बात करें तो ट्रेन क्लर्क का जो है ए थ्री कैटेगरी टी सी टी सी का ए थ्री कैटेगरी होगा इसके अलावा जो कॉमर्शियल क्लर्क है उनका बी टू कैटेगरी हो जाएगा और जो जूनियर क्लर्क है उनका सी टू कैटेगरी हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स तो प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स के लिए आईआरआईपी आईआरईपीएस आईआरपीएस आईआरपीएसएम एंड नन ऑफ द अबव तो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है हमारा सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आईआरईपीएस इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट ठीक है ये बेसिकली इसके रिलेटेड है अभी तो जेम चल रहा है यहां पे गारंटी मार्केट प्लेस ठीक है लेकिन जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है वह ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के थ्रू होता है आई एस तो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस है आई आर पी एस एम दैट इज अ प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट है ठीक है तो प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स होता है आई आर ई पी एस के थ्रू ई होता है तो हंड्रेड का ऑप्शन नंबर ए इज तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे वह ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा से हैं यहाँ पूछा जा रहा है इन विच आर द फॉलोइंग सिंगल लैंग्वेज में भी यूज तो लेटर हेड विजिटिंग कार्ड फाइल कवर नोटिंग तो इन सब में किसके अंदर जो है तो आपको सिंगल लैंग्वेज देखने को मिलेगा या, या यूज किया जा सकता है इसके बारे में पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा वन जीरो वन का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर ठीक है वन जीरो वन का क्या हो जाएगा जो नोटिंग है ठीक है जिसे केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो नोटिंग के अंदर जो है केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है ओके okay. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा तीन क्लास थ्री के अंतर्गत शामिल नहीं है जनरल ऑर्डर शामिल है नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रिप्रेजेंटेशन शामिल नहीं है इसके अलावा जो जनरल ऑर्डर है नोटिफिकेशन है प्रेस विज्ञप्ति है वो सब क्या है, है हमारे इसके अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103 हिंदी में प्राप्त शत प्रतिशत पत्रों के उत्तर किस भाषा में दिए जाने चाहिए अंग्रेजी हिंदी हिंदी या अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी द्विभाषी तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हिंदी हिंदी में प्राप्त शत प्रतिशत पत्रों के उत्तर जो है हिंदी में ही दिए जाने चाहिए रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं तो रेलवे बोर्ड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है उसके अंदर जो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं ठीक है सीआरबी सी, सी द चेयरपर्सन ऑफ उफ ऑफिशियल लैंग्वेज वर्किंग कमेटी ऑफ रेलवे बोर्ड राजभाषा नियम रूल 1976 के अंदर टोटल कुल कितने नियम है तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज टोटल ट्वेल्व रूल्स हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अंदर टोटल नौ धाराएं हैं सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था तो राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं है सम्मिलित हैं तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट है गोवा राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है का क्षेत्र 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 खा शेत्र, गा गा तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज गोवा को गा क्षेत्र में सम्मिलित है पे हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है तो हिंदी भाषा का जो विकास है उसकी बात जो है तो अनुच्छेद तीन सौ इक्यावन थ्री फिफ्टी वन के अंदर की गई है इस तरह से हमने इस क्वेश्चन पेपर के सभी 110 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे अगर जुड़े कोई सुझाव हैं या फिर कुछ शुद्धि है ठीक है जिसको हमने भूल बस गलत बता दिया है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे वीडियो थोड़ी लंबा हो गया उसके लिए क्षमा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद